साथ। हाँ भैया, इसमें हम दोनों भाई तो माँ के हाथ से गरम गरम दूध पी लिया हूँ। दूध पी लिया हूँ। इसमें चलो गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के। अरे पढ़ाई करने के लिए क्या जाएंगे, मंत्री जी इतना टास्क दे दिया है ना, आगे एग्जाम है उनके, तैयारी के लिए बारह मेहनत करना पड़ रहा है। मंत्री भैया आपको नहीं पढ़ाता है, लेकिन टास्क कैसा दिया है? आदमी सो जाता है तब हमको पढ़ाता है। लेकिन टास्क कौन सा है मुझे भी बताओ तो। 2 बजे से 3:30 बजे तक हम पढ़ाई मंत्री जी के साथ करते हैं। 2 बजे से 3 बजे तक, वो भी रात्रि में? हाँ, दिन में नहीं कराता है ना, जगनिया जौन पर इस दखनी है। जानते हैं मंत्री जी ने आज कैसा सबक दिया है? हाँ बताओ। बोला है कि हम जो पढ़ाएंगे उसे तुम पास होगा। क्या? स्कूल में जो पढ़ाएगा उसे तुम पास कभी नहीं आएगा, नंबर अच्छा नहीं लाएगा। अच्छा हाँ सुनिएगा। हाँ सुनाओ। अभी हम मैं आपको बताता हूँ क्या सबक दिया। सुनाइए। सुनिए यहाँ पर देखिए। अच्छा लिखा है। बोला है कि जो हम याद करने के लिए थे वही याद करना। हाँ पढ़ के सुनाओ। मास्टर साहब चार भाई थे। मास्टर साहब चार भाई थे। पटना से जूता चोरा के लाए थे। ये कोई पढ़ाई है? एक नंबर पौने 200 नंबर। बोला कि सब चीज याद करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा कौन है? दूसरा तो अभी नहीं बता सकते हैं, समय नहीं है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो स्कूल चलिए। अच्छा तो नहीं लगा, इसे पढ़ाई करने के लिए चलो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे। आज के बाद मंत्री जी के बातों पर नहीं रहे। हेलो भगवान, अब जो है अब मुझे आराम करने का समय हो चुका है, तो मैं अभी मैं नौरिक में बुलाती हूँ और जो कि मेरे लिए पलंग पे बिछावन लगाएंगे और मैं आराम करूँगी। ठीक है तो मैं बुलाती हूँ नौरी को। हेलो आगे कहाँ गया किया गया भाई ना, ए नौरी के आगे माँ अलग गया जुदी।
प्रणाम रानी माँ, खुश रहो नौरी, किसलिए आती है रानी माँ? नौरी, हाँ, तुझे मैं इसलिए भी आती हूँ, क्योंकि अब मुझे आराम करने का समय हो चुका है, तू जाओ, मेरी पलंग पे बिछावन लगा दो, मैं आराम करूँगी। ठीक है रानी माँ, मैं जाती हूँ लगा दूँगी। ठीक है, हलो हो तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने नजरे क्या सपने दिखाए सपने देखी और आज ये मैं हकीकत में देख रही हूँ जो कि मेरे पलंग पे पलंग के ऊपर पे एक घोंसले थे और उस घोंसले में एक बगरुन और बगरो और बगरुन रहा करते थे और उन घोंसले में बगरुन की दो बच्चे रहा करते थे। आज एक दिन की बात है जो कि बगरेन ने उस घोंसले में बगरेन ने उस घोंसले में अपने बच्चे को देखे थे और एक दिन की बात है वो बगरेन अपने प्राण को त्याग दिए और त्यागने के बाद बगरों ने दूसरी शादी करके लाए और शादी करके लाए उन दोनों बच्ची की सौतेली माँ ने एक दिन भोजन मांगने के गए और अपने चोट से मार मार के मेरे पलंग के नीचे गिरा दिए। आज ही मैं हकीकत में देख रही हूँ मुझे भी दो बच्चे हैं शीत और वसंत। अगर इन संसार में अगर मैं गुजर जाऊंगी ना जाने मेरी स्वामी जी दूसरी शादी करके लाएंगे अगर मेरे बच्चे के साथ थे अगर यही हाल होंगे नहीं। सबसे पहले मैं अपनी स्वामी जी में बुलाती हूँ पहले मैं मंत्री में बुलाती हूँ उसके बाद मैं अपने स्वामी को बुलाऊंगी। मंत्री जी बगले में प्रणाम महारानी जी कहिए क्या बात है। मंत्री जी मेरी स्वामी जी कहाँ है। आया भी महल में है
मेरे स्वामी जी बुला दीजिए मंत्री जी। अभी हम आवाज लगाते हैं। क्यों महाराज,